गांधी जी ने सन 1940 के करीब ये संकल्प ले लिया था कि वो किसी भी एक ही जाति के लोगों की शादी में नहीं जाएंगे, और संकल्प ये लिया था कि वो केवल अगर सवर्ण और दलित की जाति की शादी होगी तभी उस जाति में जाएंगे, शादी में जाएंगे, अन्यथा वो किसी शादी में नहीं जाएंगे। 1947 में जब उन्होंने दंगे देखे और ये सब नोआखली के दंगे देखे, उसके बाद उन्होंने कहा मेरी जीने की अब इच्छा नहीं, मैं मर जाऊं तो अच्छा, उससे उसके बाद उन्होंने कहना बंद कर दिया। लेकिन तब गांधी कहते हैं अगर मैं 125 साल तक जिंदा रहूं तो मुझे विश्वास है मैं हिंदू समाज को मना दूं कि ये जाति व्यवस्था जो ये जाति व्यवस्था अपने आप में। इस बार 2 अक्टूबर को मैंने केवल 2 पंक्तियां लिखी। मैंने कहा इस गांधी जयंती पे, गांधी की 151वीं जयंती है, गांधी जी की 151वीं जयंती पे पूरा देश बस एक संकल्प, और वो क्या, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ने का संकल्प गांधी जी को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि। जैसा आप में से कई लोग जानते होंगे, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब का नाम, वो एक लेक्चर था दरअसल जो उन्हें देना था, जो उन्हें देने नहीं दिया गया, जिसका इन्विटेशन उनसे वापिस ले लिया गया। उस लेक्चर को उन्होंने पब्लिश किया, वो उनकी महानतम कृतियों में से एक है जो बताती है कि जाति व्यवस्था को आप सुधार नहीं सकते, उसके एक दोष को खत्म नहीं कर सकते, इस पूरी व्यवस्था को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकना होगा। तो मैंने कहा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम बाबा साहेब की उस उक्ति को याद करते हुए एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का संकल्प करते हैं। लेकिन ये बात सबको तो सही नहीं लगेगी, तमाम तरह के सवाल पूछेंगे, और मैं जानता हूं बहुत लोग बहुत तीखे सवाल पूछते हैं। आज से 20 साल पहले जब गांधी जी के बारे में मायावती जी ने बहुत एक कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो किशन पटनायक ने एक लेख लिखा था, कहा था गांधी की निंदा अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, गांधी जी से सहमत हो या असहमत हो, क्योंकि जैसे ही मायावती जी ने गांधी जी की निंदा की तो सारे गांधीवादी पलटन उन पर टूट पड़ी कि तुम तो ऐसी असभ्य हो, तुम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हो, ये वो। किशन जी ने कहा कि नहीं, गांधी को यदि हम सम्मान करते हैं, जैसे मैं करता हूं, मन से करता हूं, फैशन नहीं था तब भी करता था, फैशन हो गया तब भी करता था, फैशन नहीं रहा तब भी करता हूं, अगर आप मन से सम्मान करते हैं तो आप उस विचारों को जिंदा रख, और वो विचार जिंदा तभी रहेंगे जब उनको आलोचना से तराशा जाएगा, जब उसे निंदा की अग्नि परीक्षा से गुजारा जाएगा, जब उसमें जो कूड़ा होगा उसको भस्म किया जाएगा। ये कहना कि गांधी जी के जिंदगी की हर चीज ठीक थी, गांधी जी ने जो किया सब ठीक था, ये कोई गांधी जी को श्रद्धांजलि नहीं है। गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि वो है जो कह सके कि गांधी जी की ये 2 बातें थी जो बहुत बेकार थी, छोड़ दी। गांधी खुद चाहते थे, गांधी ने तो एक बार कहा था मेरे मरने के बाद मेरी सब किताबें वगैरह भस्म कर देना, नहीं तो लोग उसको कोट किया करेंगे। वो चाहते थे हम उनकी जिंदगी से सीखें, और जिंदगी में जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे उससे सीखें। ये सब बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज इस देश के अंदर पिछले 20 साल से बाबा साहेब का सम्मान बढ़ा है। जब मैं विद्यार्थी था 1980 के दशक में, हमें तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ाया भी नहीं जाता, उनके बारे में तमाम लोग थोड़ा सा हल्की बात किया करते थे, लेकिन उनकी जन्म शताब्दी के बाद से, 1990 के बाद से उनका सम्मान बढ़ा, और अब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि जब हमेशा एक चिंतक के बारे में एक स्थिति होती है 5-10 साल 20 साल, जब उनके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, सब जरा डर के रहते हैं, आजकल वो स्थिति चल रही है, और उस चक्कर में काफी लोग मानते हैं कि नहीं ये तो गांधी बिल्कुल गलत। गांधी का मूल्यांकन जरूर होना चाहिए। गांधी के बारे में हाल ही में कुछ लेखकों ने कहा कि वो तो रेसिस्ट थे, और इसमें कोई शक नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी ने जो वहां का अश्वेत था, वहां का जो सबसे शोषित था, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहा गांधी, क्योंकि गांधी उस वक्त वहां के जो भारतीय थे जो सबसे शोषित नहीं थे, गोरे और काले के बीच में इंडियंस हुआ करते थे, गांधी ने उनके विचारों की रक्षा, उनके हित की रक्षा की, और उनके हितों की रक्षा करते वक्त गांधी जी ने कई ऐसी चीजें कही
जो कि अश्वेतों के बारे में बहुत असंवेदनशील थी, जो आज के लिहाज से देखें तो रेसिस्ट थी। इसी तरह से गांधी जी का जो जाति के सवाल पे चिंतन है, उसे आप अगर शुरू में देखें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से गांधी वर्ण व्यवस्था को डिफेंड करने वाले दिखाई देते हैं। गांधी ने 1917 के अंदर गांधी जी ने कहा था, मैं अस्पृश्यता के खिलाफ हूं लेकिन मैं वर्ण व्यवस्था के पक्ष में। ये बात तो बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने कहा था वर्ण व्यवस्था अपने आप में बुरी नहीं है, जैसा कई बार लोग कहते हैं ना, देखो जी वर्ण व्यवस्था में अपने आप कुछ तो बुराई है नहीं, बस बुराई ये है कि उसको जन्म से जोड़ दिया गया, नहीं तो बताइए कर्म के आधार पर ब्राह्मण होना ये होना इसमें क्या बुराई है। कई बार ऐसी बातें आपको ड्राइंग रूम में लोग कहते हुए मिल जाएंगे, गांधी जी ने भी वो बात कही थी। अक्सर मैं देखता हूं आजकल अंबेडकर आंदोलन के साथ ही, खुले परपेरियार आंदोलन के साथ ही, गांधी का सिर्फ वो एक चेहरा याद रखते और उस आधार पे गांधी को जातिवादी बताते हैं, गांधी की निंदा करते हैं, गांधी को दलितों का दुश्मन बताते। मुझे पीड़ा होती है, पीड़ा इसलिए नहीं कि वो गांधी जी के साथ अन्याय है, गांधी तो रहे नहीं। 1900 मोहनदास करमचंद गांधी की 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो गई, उसके बाद आप उसके प्रति न्याय करें अन्याय करें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन महात्मा जीवित, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं रहे, लेकिन बाबा साहेब हमारे लिए जिंदा है। मोहनदास करमचंद गांधी और भीमराव अंबेडकर की अपने जीते जी कभी नहीं बनी, हालांकि उनका रिश्ता बहुत अजीब था, घनिष्ठ था, दूरी का था, सब कुछ था, लेकिन उनकी बनी नहीं जिंदगी, उसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन महात्मा और बाबा साहब का रिश्ता बनाना आपके और मेरे हाथ में। वो 21वीं सदी में आज हमारा देश जिस चुनौती का सामना कर रहा है, उसके लिए हमें 20वीं सदी में जिन दो लोगों ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध अपने अपने तरीके से अपने अपने मुहावरे में बड़ी लड़ाई लड़ी, उन दोनों से सीखने की जरूरत है। मुझे मोहनदास करमचंद गांधी में रुचि नहीं है, मुझे 21वीं सदी में आप और मैं अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं उसमें रुचि। इसलिए मैं आपके सामने एक दूसरा विचार पेश करता हूं, थोड़ा पढ़िएगा देखिएगा, शायद इससे हम कुछ सीख के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि गांधी और अंबेडकर को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना, या पहले रिवाज हुआ करता था गांधी और भगत सिंह को खिलाफ खड़ा करना, कुछ हमारे क्रांतिकारी साथियों का ऐसा विश्वास था कि भगत सिंह की फांसी तो गांधी जी के कारण हुई, गांधी जी चाहते तो ना होती, इस तरह की बातें चलती रहती। आज उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना आपकी और मेरी ऊर्जा को कम करता है, मुझे उसकी चिंता है। गांधी ने 1917 में जो कहा वो तो हम सबको याद रहता है, गांधी ने 1920 में जो कहा वो हम सबको याद रहता है, लेकिन उसके बाद गांधी ने क्या किया? याद रखिए, गांधी जी की जिक्र काफी आलोचना में आता है, जो अंबेडकरवादी आंदोलन से प्रभावित साथी होते हैं उनकी बात में गांधी जी का जिक्र आता है, दूसरों का जिक्र नहीं आता। लेकिन हकीकत यह है कि 20वीं सदी में जिन दो लोगों ने जाति के सवाल को सबसे ज्यादा उठाया वो थे गांधी और अंबेडकर। उनके बाद किसी व्यक्ति ने उठाया तो राम मनोहर लोहिया, इन तीन लोगों ने 20वीं सदी में इस विचार को बड़े स्पष्ट रूप से जाति के सवाल को उठाया। पेरियार का नाम भी लेना चाहिए और दूसरे कुछ और चिंतकों ने भी सवाल को उठाया। मार्क लिंडले कहते हैं कि आप गांधी के विचारों का प्रोग्रेशन देखिए, जो व्यक्ति 1917-1920 में कहता है कि वर्ण व्यवस्था अच्छी है, वो व्यक्ति 1930-31 तक आके कहता है कि जाति व्यवस्था जो है कास्ट मस्ट गो। ये गांधी जी का लेख है। गांधी जी पुणे पैक्ट के बाद उन्हें छोड़ा गया था एक साल के लिए, और 1933-34 में गांधी जी ने सब काम छोड़ के पूरे देश में एक साल के लिए केवल अस्पृश्यता समाप्ति की यात्रा की थी। उस यात्रा के दौरान गांधी बार बार इस सवाल से जूझ रहे, गांधी को लोग दिखा रहे हैं कि देखिए आप तो कहते हैं कि अनटचेबिलिटी गलत है, लेकिन ये तो मैं आपको हिंदू धर्म का ग्रंथ दिखा देता हूं। बनारस के पंडों से उनकी मुठभेड़ हो गई, वहां पे पंडों ने उन्हें साफ, वहां के ब्राह्मणों ने, बनारस के ब्राह्मणों ने दिखाया कि देखिए फला शास्त्र ये कहता है, फला शास्त्र ये कहता है, आप कैसे कह सकते हैं कि अस्पृश्यता ठीक ठीक नहीं है, अस्पृश्यता तो शास्त्र सम्मत है, उन्होंने बिल्कुल ओपनली दिखा दिया। गांधी जी का क्या जवाब? गांधी जी कहते हैं, होंगे तुम्हारे शास्त्र, जो शास्त्र मानवीयता के विरुद्ध है, जो शास्त्र
एक बेसिक रैशनैलिटी के खिलाफ है। मैं उस शास्त्र को नहीं मानता, मैं सनातनी हूं, हिंदू हूं, ये गांधी जी ने हमेशा कहा, लेकिन कहा कि ये अगर शास्त्र में लिखा है तो मुझे वो शास्त्र मंजूर नहीं है, ऐसे शास्त्रों की मेरे लिए कोई महत्व नहीं। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू सनातनी कहता था, वो कहता था होंगे हिंदू धर्म के शास्त्र, मेरे लिए इनका कोई मतलब नहीं। और अंतिम अस्त्र के रूप में गांधी कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे जो हिंदू धर्म सिखाया था ये वो नहीं, और मेरी माँ ज्यादा जानती थी, मेरी माँ का हिंदू धर्म था वो मुझे मान्य है, ये शास्त्र वास्त्र पंडित होंगे ये मुझे मत बताइए, मैं इसमें नहीं मानता। यानी कि गांधी एक कदम उठा रहे हैं जो कि उन्हें जाति व्यवस्था की बुनियादी धारणाओं से दूर लेके जा रहा है। 1930, 31, 32 का ये जमाना है जब उनका डॉक्टर अंबेडकर से पहली बार सामना होता है। 1931 में पहली बार वो मिलते हैं, तब संदर्भ है उसके बाद गोलमेज सम्मेलन का, जिसके बाद पुणे पैक्ट होता है। पुणे पैक्ट जिसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है, और ये कहा जाता है, सही कहा जाता है, कि एक तरह से गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर को ब्लैकमेल किया, क्योंकि तो डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि अगर वो पुणे पैक्ट में गांधी जी की बात को नहीं मानते। पुणे पैक्ट में हुआ ये था कि अंग्रेजों ने कहा था कि दलितों को हिंदुओं हिंदू धर्म के बाहर समझा, और गांधी जी ने कहा था उस जमाने में वो ऑलरेडी जेल में थे, तो उन्होंने कहा था इस सवाल पे तो मैं जान दे दूंगा, उनको हिंदू धर्म के बाहर ना माना जाए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे क्यों नहीं माना जाए भाई, तुमने क्या किया है हमारे लिए, हम तो बाहर रह के ज्यादा खुश हैं। और गांधी जी ने कहा कि नहीं, इसके लिए कोई व्यवस्था कर लो लेकिन हिंदू धर्म के बाहर नहीं माना जाएगा, इसके बारे में सारी कंट्रोवर्सी। और यहां से गांधी अंबेडकर संवाद शुरू होता है, गांधी अंबेडकर की सीख शुरू होती है, और पहला कदम गांधी है जो डॉक्टर अंबेडकर से सीख रहे हैं, क्योंकि जैसा नागराज हमें याद दिलाते हैं, गांधी के लिए जाति व्यवस्था बुरी है क्योंकि वो एक हिंदू धर्म का मैल है जिसको वो साफ करना चाहते, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। तो गांधी जी बार बार कहते हैं कि जो दलित हैं उन्हें कुछ नहीं करना, जो दलित नहीं है उन्हें अपने पाप धोने। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं मुझे कुछ क्यों नहीं करना, मुझे अपना हक हासिल करना। तो सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई, डॉक्टर अंबेडकर सेल्फ रेस्पेक्ट की दिशा से आते हैं, गांधी सेल्फ प्यूरिफिकेशन की दिशा से आते हैं। बहुत गांधी के सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बात सुन के डॉक्टर अंबेडकर को लगता है अच्छा तुम अपनी आत्मा धोने की कोशिश कर रहे हो, भाई मेरे को भी देख लो, मैं अपने तरीके से, मैं अपने पाओं पे खड़ा हो सकता हूँ, मुझे तुम्हारी आत्मा नहीं धुलवानी, मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ। और दोनों में बहुत अच्छा खासा संघर्ष है, विचारों के अंदर जम के संघर्ष होता है। और जैसा नागराज दिखाते हैं, मार्क लिंडले बताते हैं, पहली सीख गांधी को मिलती, गांधी का अनटचेबिलिटी के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में विचार पहले से ज्यादा तीखे होने शुरू होते हैं। गांधी कहते हैं कास्ट मस्ट गो, हालांकि जाति व्यवस्था को जड़मूल से खत्म करना ऐसा गांधी तब भी नहीं कह रहे। 40 का दशक आते आते गांधी और बदलते तमाम चीजों में, गांधी की पूरे जिंदगी में केवल जाति के सवाल पे नहीं, फ्यूडलिज्म के सवाल पे, पैसे के सवाल पे, कई चीजों पे गांधी की जिंदगी का लॉजिक ये है कि वो धीरे धीरे ज्यादा रेडिकल होते जा रहे हैं। गांधी की जिंदगी का जो लॉजिक है कि उनका उत्तरोत्तर एक क्रांतिकरण होता है, गांधी ज्यादा पहले से ज्यादा क्रांतिकारी हैं, गांधी पहले से ज्यादा रेडिकल होते जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। और 40 का दशक आते आते मार्क लिंडले हमें बताते हैं कि गांधी कितने बदल रहे, और उस पे एक असर है। आंध्र प्रदेश के एक साथी गांधी को ज्वाइन करते हैं जिनका नाम है गोरा, गोरा उनका छोटा नाम है, लंबा एक साउथ इंडियन नेम था उनका। गोरा एथिस्ट है, गांधी धार्मिक है, लेकिन गांधी को लगता है ये आदमी ईमानदार है, और कहते हैं कि नहीं मैं तुमसे, वो आश्रम आइए तो आप रहिए, वो गांधी जी के साथ आश्रम में रहते हैं। ये 44, 45, 46 का समय है जब वो गांधी के साथ, इस दौरान गांधी के विचार बदल रहे हैं। आपको याद हो गांधी जी ने सन 1940 के करीब ये संकल्प ले लिया था कि वो किसी भी एक ही जाति के लोगों की शादी में नहीं जाएंगे, और संकल्प ये लिया था कि वो केवल अगर सवर्ण और दलित की जाति की शादी होगी तभी उस जाति में जाएंगे, शादी में जाएंगे, अन्यथा वो किसी शादी में नहीं जाएंगे। ये गांधी जी ने संकल्प ले लिया था, जिसके चलते गांधी जी के ऑलमोस्ट जो पुत्र है महादेव देसाई, गांधी के सेक्रेटरी, उनके पुत्र, उनके बेटे की जब शादी हुई तो गांधी उसमें नहीं, तो अपने लगभग अपने पोते की शादी में गांधी नहीं गए, कि उन्होंने कहा कि नहीं मैं केवल उस शादी में जाऊंगा जहां सवर्ण और दलित की शादी हो, अन्यथा मैं किसी शादी में नहीं जाऊंगा। गोरा गांधी के साथ रह रहे हैं, और गांधी का उत्तरोत्तर इन चीजों में विकास हो रहा है, और गांधी
अब जाति व्यवस्था के बारे में एक दूसरे मुहावरे में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये व्यवस्था खत्म हो। गोरा की अपनी बेटी एक दलित से शादी करती है, गोरा ब्राह्मण है, एथिस्ट है, उनकी बेटी एक दलित से शादी करती है, तो गांधी उस शादी में जाते हैं और पता है उसको क्या आशीर्वाद देते हैं गांधी? ये 1946 की बात है, सब रिकॉर्डेड है हिस्ट्री। गांधी 1946 में उस बच्चे को जिसके साथ गोरा की बेटी ने शादी की उसको आशीर्वाद देते हैं, तुम डॉक्टर अंबेडकर जैसे बनो। गांधी का अल्टीमेट उसके लिए है कि तुम डॉक्टर अंबेडकर जैसे बनो, इस देश में जाति व्यवस्था की जो मैल है, उसका जो दोष है, उसके विरुद्ध लड़ो। इस वक्त गांधी से बार बार पूछा जाता है कि आप बताइए ये जो अनटचेबिलिटी का सिस्टम है, ये सिस्टम कैसे बदल सकता है? जब तक कास्ट सिस्टम है तब तक अनटचेबिलिटी कैसे जा सकती है? क्योंकि फॉर्मली गांधी केवल ये कह रहे हैं मैं कास्ट सिस्टम के मैं अनटचेबिलिटी के खिलाफ। और बहुत लोग पूछते हैं, गोरा पूछ रहे हैं कि गांधी जी अनटचेबिलिटी कैसे खत्म हो सकती है जब तक कास्ट सिस्टम खत्म ना हो। गांधी जी कहते हैं बात तो सही है, तो वो कहते हैं कि फिर आप कास्ट सिस्टम को अपोज क्यों नहीं करते? गांधी जी का बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है, वो कहते हैं एक चीज है मेरा मानना, दूसरी चीज है मेरा दुनिया को मनवाना। वो कहते हैं कि अगर मैं 125 साल तक जिंदा रहूं, और गांधी जी अगर इतिहास के में आप याद रखिए, गांधी जी ने कहा था सन 45-46 तक कहा था कि मैं चाहता हूं 125 साल तक जिंदा रहूं। 1947 में जब उन्होंने दंगे देखे और ये सब नोआखली के दंगे देखे, उसके बाद उन्होंने कहा मेरी जीने की अब इच्छा नहीं, मैं मर जाऊं तो अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहना बंद कर दिया। लेकिन तब गांधी कहते हैं अगर मैं 125 साल तक जिंदा रहूं तो मुझे विश्वास है मैं हिंदू समाज को मना लूंगा कि ये जाति व्यवस्था जो है, ये जाति व्यवस्था अपने आप में, तो खुद नहीं कहते हैं, कहते हैं मैं कैसे बोलूं जब तक मैं समाज को मनवा ना पाऊं। तो गांधी के अंदर चर्निंग हो रही है, बदलाव हो रहा है, वो चर्निंग किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रही है। इस बीच गांधी चले जाते। ये सारा किस्सा मैंने इस क्यों सुनाया आपको? इसलिए नहीं कि मोहनदास करमचंद गांधी क्या सोचते थे, क्या करते थे, वो हमारे लिए कोई बंदिश होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, कई बार गांधी जी ने ऐसी बातें कही जो मुझे कतई इलॉजिकल लगती हैं। जैसे उन्होंने कह दिया था 1932 में बिहार में अर्थक्वेक आया था, उन्होंने कहा ये अनटचेबिलिटी के पाप की वजह से अर्थक्वेक आया है। तब मुझे कोई सर पैर उस बात का आज तक नजर नहीं आया। तो गांधी जी की तमाम कई चीजें हैं जिनका बिल्कुल खुल के मैं विरोध करता हूं, करना चाहिए, क्योंकि सोचने के लिए हमें उससे आगे बढ़ना होगा। गांधी जी की जाति व्यवस्था पे उनके विचार कैसे बदल रहे हैं, ये इसलिए मैं कहानी बता रहा हूं आपको कि अगर वो 125 साल तक जिंदा रहते तो अब तो 150 हो गए ना, 125 से मामला कितना आगे बढ़ गया। गांधी का विचार बदलता, गांधीवादी नहीं बदले, गांधी जरूर बदले, हमें आपको बदलने की जरूरत। गांधी ने अपने जीते जी बाबा साहब से बहुत कुछ सीखा, और बी.आर. नागराज कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी से सीखा। क्या सीखा? हालांकि डॉक्टर अंबेडकर काफी अंत तक नाराज रहे, ऐसा नहीं कि कोई अंत में उनका कोई रिकंसिलेशन हो गया था गांधी से, लेकिन बी.आर. नागराज कहते हैं कि बाबा साहब जो अंत में बुद्ध धर्म की तरफ गए और उन्हें लगा कि स्पिरिचुअलिज्म के बिना मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, वो स्पिरिचुअलिज्म की जो सीख है वो कहीं ना कहीं उनको गांधी से इंटरेक्शन से मिली, ऐसा डीआर नागराज का कहना है। इस किस्से को मैं बस इतना कह के समाप्त करना चाहता हूं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।